Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई अनिल ढांडा और आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक और नए बिज़नेस के साथ जो कि यहां पे गोहाना रोड पे पड़ता है। ये इस तरफ पिंडारा है और इस तरफ हम कहेंगे तो ये जीन जो है रोहतक बाईपास के पास, ये भारतनगर में पड़ता है और ये गली नंबर एक है जहाँ पर आप देख रहे हैं सामने बोर्ड लगा हुआ गली नंबर एक। और इस तरफ ये पड़ गया और इस तरफ है ये आसियाना वॉल डेकोर के नाम से बिज़नेस है जहाँ PVC और काफ़ी तरह के ये जो काम हैं जिसमें कि आप इंटीरियर अपने घर का बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आज हम बात करेंगे किस तरह की क्वालिटी का माल यहाँ पे मिलता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जैसे कि हम डेली किसी न किसी बिजनेस पे विजिट करते रहते हैं और हमें मौका मिला है आज आपके यहाँ पे आसियाना वॉल डेकोर के अंदर आने का, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे मतलब किस तरह का काम आप करते हैं? सर हम वॉल पैनल्स में डील करते हैं, WPC की जो चौखट्स हैं उनमें डील करते हैं और UV शीट्स में डील करते हैं बेसिकली। सर मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि मतलब जैसे आप जो मटेरियल या जो भी आप रखते हैं वो किस क्वालिटी का है, थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में? सर हमारे पास वैसे तो हम बेसिकली तो इंडियन क्वालिटी में डील करते हैं जो बहुत बेस्ट क्वालिटी में आती है, लेकिन मार्केट में चाइनीज़ क्वालिटी की भी लोग डिमांड करते हैं। अच्छा। सस्ते के चक्कर में कि भी हमें चीपर चाहिए, चीपर रेट में चाहिए, तो उस हिसाब से भी आता है। जैसे चीपर रेट्स में ये क्वालिटी आती है हमारे पास। ओके। ये इनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, लेकिन इसमें क्या है सर, बेसिकली जो मिक्सचर होता है इसका, मिक्सचर जो इंडियन क्वालिटी से होता है वो अलग होता है। इसमें प्योर सैंड ज़्यादा मिक्स होता है। अच्छा। PVC के कारण। अच्छा। तो इसमें सैंड मिक्स होने के कारण जो इसमें वीकनेस आती है बहुत ऐसे टूट गई, कमज़ोर हो जाती है, टूटने लग जाती हैं। अच्छा, अच्छा। दूसरा ये वाटरप्रूफ कह के बेचते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक दिन पानी में डाल लो तो शाम तक इसमें कुछ नहीं बचता, जस्ट एक नॉर्मल पेपर होता है वैसे गल जाती हैं बिल्कुल। और जो हम इंडियन क्वालिटी की बात कर रहे हैं वो आप देखिए, एक तो उसकी शाइनिंग में लुक ही आपको अलग बता देगी। ये देखिए जैसे आप इसकी लुक्स देखेंगे ग्लॉसी में आएगी एकदम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। ये इंडियंस में देखिए, ये देखिए ग्लॉसी फिनिश देगी, इसकी थिकनेस देखोगे, मटेरियल देखोगे, जैसे मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं दब के टूटेंगी। ये देखिए आपके सामने दबा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं टूटेंगी। और बागियों में इसके ऊपर सर जैसे चाइनीज़ में पेपर चिपका होता है आपके, इसमें पेपर वाला सिस्टम कोई नहीं है, जो प्रिंट है सब इसके ऊपर है। अगर बाय द चांस जो बच्चा है आपका कोई रगड़ मारने की कोशिश करता है तो नीचे से भी सेम कलर निकलेगा जो इसके ऊपर है, लेकिन अगर जैसे चाइनीज में रगड़ मार दी तो नीचे से अलग कलर निकल के आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो ये फ़र्क है सर हमारे इंडियन और चाइनीज़ में। फिर हमारे पास इससे हाई क्वालिटीज़ में आती हैं और इससे अपर में चले जाए इंडियंस में तो हमारे पास ये क्वालिटी आने लग जाती है, और हाई और मोटाइज थिकनेस में उससे ऊपर देखने लग जाए तो फिर हमारे पास सबसे टॉप क्वालिटी जो आती है वो ये आती है। ये टाइल को भी बीट कर सकती है सर, आप इस पर कितना भी पंचिंग कर लीजिए इसका टूटने का मतलब ही नहीं है सर। वाह जी वाह, इतनी मजबूती के साथ देते हैं। इसके थिकनेस सस्ते के चक्कर में नुकसान, सस्ते के चक्कर में आप लगवा तो लेते हैं, एक साल लगवाते हैं, फिर हमारे पास कस्टमर आता है सर हमने लगवाई थी टूट गई, अब इसका इलाज बताइए। अब उसका इलाज कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चाइनीज के जो पैनल्स होते हैं उसमें एक इंच हल्की सी लंबाई बड़ी होती है वो, और इंडियन की एक इंच कम में होती है ना, फिर हम उसी स्क्रू में दोबारा लगा भी नहीं सकते कस्टमर्स को क्योंकि हमें नए स्क्रू करने पड़ेंगे, फिर वो कस्टमर को डबल नुकसान हो जाता है। एक तो उनकी वॉल वीक हो जाती है, अगर आप एक सिंगल स्क्रू मार रहे हो उसकी जगह आपको दो और मारने पड़ जाएं तो वॉल में वीकनेस आएगी आएगी, तो लोगों को तो डबल नुकसान हो गया, डबल नुकसान हो जाता है एक बार सस्ता तो बार बार। वो जी वैसी बात हो जाती है। फिर हम UV शीट्स में डील करते हैं, ये हमारी UV शीट्स की थिकनेस आती है, मार्केट में भी थिकनेस आती है लेकिन हम जो डील करते हैं वो 3mm और 4mm में डील करते हैं, मार्केट में जाती है वो 1mm में आती है। ये हमारी है सर, इसमें कलर्स आते हैं, मैं शेड्स दिखाता हूँ आपको, इसमें ये हमारे शेड्स आते हैं सर, देख लो फ्रेंड्स इस तरह की, ये यहाँ पे अलग अलग शेड्स में अवेलेबल है, कैटलॉग अवेलेबल है। और हमारी एक अकेली शॉप है जिसमें इसके साथ मोल्डिंग्स भी मिलेंगी, बाकी आपके पास कहीं मोल्डिंग्स नहीं मिलेंगी और बिना मोल्डिंग के फिनिश आएगी नहीं। बहुत बढ़िया। और हमारी मोल्डिंग की क्वालिटी दिखाता हूँ मैं, ये हमारी मोल्डिंग है, कैसे भी पटक लो सर टाइल टूट जाएगी, नीचे वाली टाइल टूटने की मैं गारंटी नहीं लेता लेकिन ये नहीं टूटेगी। बहुत बढ़िया जी सर, आप तो मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया ले रहे हैं। ये क्वालिटी रखते हैं सर हम।
फिर हमारे पास हम चौखट्स में डील करते हैं, जैसे चौखट हमारे पास 4x2 की, 5x2 की, और ये WPC के दरवाजे डील करते हैं सर। ये किस तरह की चौखट, ये किस मटेरियल की बनी है सर ये? वैसे सर ये बनती है WPC की, इसमें होता है वुड प्लस सैंड ओके और प्लास्टिक, इसमें 3 मिक्सचर्स होता है, प्लास्टिक भी होता है इसमें, वुड भी होता है और सैंड भी मिक्सर होता है, तो ना तो ये गलती है, डीमक लगने का तो कोई चांस ही नहीं है, और स्क्रू ढीले होने का भी चांस नहीं है। बस इसमें आपको ये है कि ठोकने के बजाय आपको स्क्रू कसना पड़ेगा, मशीन से कसी है या स्क्रू ड्राइवर से कसी है, हाँ ठोकना नहीं है, अगर ठोकोगे तो स्क्रू ढीला होगा, हाँ कसोगे तो छोड़ती नहीं है स्क्रू को, और ख़राब हो जाए लाइफ पानी से, डीमक से, धूप से, तो लाइफ टाइम कंपनी गारंटी ले रही है एक्सचेंज करने की। बढ़िया सर, ये तो नई बात बताई आपने, हमने देखी नहीं इस तरह की चीज़, तो चौखट देखे हैं लेकिन इस टाइप की मटेरियल नहीं देखा था, आज देखा है, बड़ा अच्छा लगा सर ये। बाकी आपकी सर सारी क्वालिटी अच्छी है, तो फ्रेंड्स आप जैसे मैं डेली विजिट कराता हूँ एक नए बिजनेस पे, मेरा एक मोटिव होता है कि आपको जो भी चीज़ खरीदनी है कम से कम मटेरियल जो भी जिसके लिए आप पैसा लगा रहे हैं वो अच्छी चीज़ खरीदें, और सर्विस भी देखें भी अच्छी है कि नहीं सामने वाले की, और ये थोड़ा सा मार्केट से आउट तो बैठे हैं लेकिन आपको मटेरियल अच्छा दे रहे हैं। ये जैसे चाइनीज़ माल है, चाइनीज़ में देखो आप दीवार पे लगा देते हैं, बच्चे ने मार दिया या आपसे कुछ लग गया, इस तरह टूट जाते हैं, ये देखो दबाने से देखो इसमें छेद हो जाते हैं, अगर आप ये माल लगाएंगे तो कितने दिन चलाएंगे, आपकी डबल डबल लेबर लगेगी, ये अगर एक छेद हो गया कहीं कहीं पर छेद है तो आपकी वैसे वती लगेगी, लेकिन आप इंडियन माल लगाते हैं जैसे ये है ना सर, इंडियन माल, ये इंडियन माल है, ये देखो मैं दबा रहा हूँ ये कहीं से भी नहीं दब रहा है, तो आई थिंक ये बेटर है, एक बार आप पैसा लगाएं, अगर आपका मन है तो पैसा लगाने का तो लगाएं सर, लेकिन अच्छी चीज़ लगाएं घर में, ये बेटर है। यहाँ पे आसियाना वॉल डेकोर है गोहाना रोड पे, और ये भाई हैं, मैं इनको 1.5-2 साल से जानता हूँ, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहुँचा हूँ, पहले यहाँ नहीं पहुँच पाया था, तो आज भाई का कॉल आ गया था तो यहाँ पहुँचे हैं, और मैं इनके बारे में काफ़ी जानता हूँ, अच्छा माल देते हैं और सर्विस के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये सर ये किस तरह का क्या चीज़ रखी हुई है सर? ये भी पैनल्स ही रखे हुए हैं, जैसे सैंपल्स हैं तो ये फुल पैनल्स रखे हुए हैं, फुल लेंथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी स्टॉक में है यहाँ पे सारी चीजें, कलर्स के लिए हमने ये सैंपल लगा रखे हैं, जैसे WPC के कलर्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की मोल्डिंग है, राउंड मोल्डिंग है, नीचे डैडो मोल्डिंग है, अपर मोल्डिंग्स हैं, तो ये लगी हुई है सर। बाकी जैसे हमने शो पीस 2 बना भी रखे हैं, लिफ्ट का अगर किसी को दरवाजा बनवाना है, वाह भाई आपने लिफ्ट ही बना दी, तो ये इसके लिए लिफ्ट पीस लगा रखा है सर। ये मोल्डिंग्स आती हैं सर इसके साथ में लगाने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए, तो इसमें भी आप वीकनेस देखोगे, इसको ऐसे करोगे टूट गई, ये चाइनीज क्वालिटी है सर, आप इंडियन को देख लो, इतना बैंड कर लिया, इतना बैंड कर लिया, मुड़ भी गई और वापस सीधी हो जाएगी, टूटेगी नहीं, बस सस्ते सस्ते के चक्कर में भी, और आजकल चाइनीज में भी, चाइनीज को भी ये बोल के बेच रहे इंडिया में बन रहा है, क्योंकि सेम जो प्रोपोर्शन चाइनीज में होता था वो आजकल इंडिया में बनाना शुरू कर दिया सेम क्वालिटी का, और इसमें आता है प्रोपोर्शन में फर्क आ गया, इसमें PVC ज्यादा है, सैंड कम है, इसमें सैंड ज्यादा है और PVC कम है, अब जिस चीज में चाइना यहाँ पड़ी है भाई देख लो ये तो माली कुछ नहीं, आप इसको जितनी बार मोड़ोगे ये देखो क्या हाल है इसका, कागज की तरह तोड़ लोगे, ये बैंड हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, आप कितना ही बैंड कर लेना सर, मस्त क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी का फर्क है सर, बाकी लोग पैसे के चक्कर में जाते हैं, चक्कर में ना मरो भाई, बढ़िया चीजें लगाओ घर में, लगानी है तो नहीं तो रहने दो, कम से कम लेबर तो नहीं लगेगी, लेबर लगा रहे हो फिर भी आप माल ऐसा लगा रहे हो तो अच्छी बात नहीं, बाकी अपने अपने चॉइस है, कोशिश करो हो सके तो एक बार, हम तो अपनी तरफ से इंडियन प्रेफर करते हैं, अगर कस्टमर फिर भी चाइनीज लेने जाता है तो हम उसको पहले ही मना करते थे कि सर कंप्लेंट आएगी तो हम जिम्मेवार नहीं है। सही बात है, चाइनीज वाले की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया लगा, खासकर यहाँ आके आपसे मिलके और ये इतनी सारी नॉलेज लेके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सर।